वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में और यहाँ हम आपको मिलवाएंगे बहुत सारे शेरों से। तो चलिए मिलते हैं। जैसे ही आप एंट्री लेते ही थोड़ी दूर पर ही आपको बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा मिल जाता है। अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग या बच्चे हो तो आप ई रिक्शा ले सकते हो, या आपको ऐसे ही घूमने का मन हो तो भी आप ई रिक्शा ले सकते हो। यहाँ पर ई रिक्शा के चार्जेस 70 पर पर्सन है और अगर आप पूरा ई रिक्शा बुक करना चाहते हो तो 400 लगता है। ये आपका पहला स्टेशन है। अगर आप ई रिक्शा से आते हो तो यहाँ पर उतरोगे तो आपको ये मैप देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें ये सब दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत तरह की एमिनिटीज़ है, जैसे कि आपको हॉस्पिटल सेवा, पानी की सेवा, जगह जगह पे एम्बुलेंस, डायरेक्टर का रूम और किस जानवर को आप किस रूट से देखना चाहते हो। तो ये बोर्ड बहुत तरह लगाए गए हैं, आप कहाँ खड़े हो आप देख सकते हो। ये खास तरह की वाटर बर्ड है जो कि एक सीज़न में यहाँ पर उड़कर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे लाइन टेल्ड मैकाउ, ब्लैक बग, सांबर डियर, देन हॉग डियर। चलिए देखते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा जू है और सबसे खूबसूरत भी, जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुझे यहाँ पर आकर लगा है। यहाँ पर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, यहाँ 80 पर पर्सन टिकट के चार्जेस हैं। यहाँ ऑफलाइन टिकट नहीं मिलती है अब जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था। अब जो आप देख रहे हो सामने ये है लायन टेल मैकाउ। इसको लायन टेल मैकाउ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पूंछ और सर एकदम शेर की तरह दिखता है, इसलिए इसे लायन टेल मैकाउ कहा जाता है। ये ज़्यादातर फल खाते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको उस वाइट टाइगर से मिलवाऊंगी जो कि एक वायरल वीडियो में आपने देखा होगा, एक इंसान उसके केव में गिर जाता है तो उससे उसने मार डाला था। अब हम आ गए हैं ब्लैक बग देखने। इसकी खासियत ये है कि ये सबसे दुनिया का सुंदर हिरण है। इसको आप देख सकते हो, इसकी जो सींग होती है वो बहुत ही डिज़ाइनदार होती है और ये हमेशा झुंड में चलते हैं। ये है हॉग डियर। इसकी सबसे खास बात ये है कि जब ये चलते हैं तो ये सिर झुका कर चलते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं पाड़ा हिरन। ये है हमारी नीलगाय। अब हम आ गए हैं सांबर डियर को देखने के लिए। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट डियर होती है। इनके सर पे एक खास तरह का मुकुट बना होता है। ये बहुत ही तेज़ दौड़ते हैं जिसकी वजह से ये शेर का शिकार कम होते हैं। ये है वर्ल्ड की टॉलेस्ट काउ जिसको गौर के नाम से जाना जाता है। इनके पैर में नीचे में सफ़ेद सफ़ेद बने होते हैं, जैसा लगता है जैसे कि ये मोजे पहने हुए हैं। आप देख सकते हो जैसा कि गोल्डन जैकॉल को, ये इतना फुर्तीला होता है, इसके शरीर में इतनी फुर्ती होती है कि ये कभी रुकता ही नहीं है, दिन भर चलते रहता है। जैसा कि आप देख रहे हो ये अभी भी टहल रहा है। ये जो 1951 में बनना शुरू हुआ था और 1959 में ये बनकर तैयार हो गया था, इसकी ओपनिंग 1 नवंबर 1959 को हो गई थी। यहाँ पर लैंड एरिया लगभग 176 एकड़ है। यहाँ पर टोटल एनिमल 1347 हैं और स्पीसीज 127 अप्रॉक्स हैं। यहाँ की टाइमिंग आप दो स्लॉट में बुक कर सकते हो, 8:30 to 12:30, देन 12:30 to 4। अगर आप एक बार एंट्री ले लेते हो तो आप 4 तक रह सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। अब हम आए हैं अपने नीले पीले मैकाउ को देखने। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। यहाँ पर आपको बहुत तरह की बर्ड्स मिलेंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, तो इसको ज़रूर एक बार विज़िट करें। ये है हेमड्रस बैबून। ये एक खतरनाक जानवर है।
इसके लिए आप देख सकते हो बीच में स्पेस बनाया गया है, ये उसके ऊपर में रहता है और जल्दी किसी को दिखता नहीं। दिल्ली का जूलॉजिकल पार्क एवरी फ्राइडे को क्लोज रहता है और नेशनल हॉलीडे को, तो आने से पहले आप ये देख लें कि आज फ्राइडे तो नहीं है। अब हम आ गए हैं अपने हिप्पोपोटामस को देखने। इसको इतनी गर्मी लग रही है कि ये पानी से निकलना नहीं चाहता है, बस एक बार मुंह दिखा दे अपना, देखते हैं दिखता है कि नहीं। दिखा दे दिखा दे दिखा दे, फाइनली हमने इसका फेस देख लिया। इसके बाद आगे है एशियाटिक लाइन, वाइट टाइगर, जैगुआर और वॉल्फ। आप देख सकते हो हम चल रहे हैं एशियाटिक लाइन को देखने के लिए। अब देखते हैं ये कहाँ है। ये केव के अंदर है, तो मैं इसे जूम करने की कोशिश करती हूँ, मे बी विजिबल हो। ये आप देख सकते हो ये सो रहा है। और आ गए हैं हम वाइट टाइगर के पास। ये वही वाइट टाइगर है जिसके अंदर गिर गया था एक इंसान और उसकी डेथ हो गई थी। लोगों ने इस पर पत्थर मारने शुरू कर दिए और इसने उसे मार डाला। ये वही खतरनाक जानवर है जिसका नाम विजय है। यहाँ पर विजय अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है। विजय की वाइफ का नाम है सीता और इनके दो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू। ये है बंगाल टाइगर। ये कब से सर हिला ही नहीं रहा है, मुझे तो लग रहा है ये नकली है। आपको क्या लगता है, क्या ये सर हिलाएगा? चलिए वेट करते हैं। ये नकली तो नहीं है, लग तो रहा है ये नकली है। कब से? नहीं 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 नहीं, ये है असली टाइगर जिसको कहते हैं बंगाल टाइगर। यहाँ के जानवर को वन टाइम फूड दिया जाता है जो कि शाम को 4 बजे के बाद दिया जाता है। यहाँ पे आपको खाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप कोशिश करें कि आप घर से खाना खाकर ही जाएं। पर पानी की व्यवस्था आपको जगह जगह मिलेगी। आपको कुछ फूड स्टॉल भी मिलेंगे जो कि आपको आइसक्रीम प्रोवाइड करते हैं, कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं और पानी प्रोवाइड करते हैं, बस कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते। तो आप घर से खाना खाकर ही जाएं। ये रहा राइनो। इसको इतनी गर्मी लग रही है कि ये पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम यहाँ पर 10-15 मिनट से खड़े हैं पर ये निकल ही नहीं रहा है। और ये रहा हमारा बियर जो कि काफ़ी अंधेरा है। मैं इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ पर ये सही से विजिबल नहीं है। चलिए क्रोकोडाइल देखते हैं। और क्रोकोडाइल ये हिल तो रहा नहीं है। सभी कह रहे थे ये डमी है बट मुझे श्योर है कि ये डमी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ के जानवर कितने आलसी हो गए हैं। अब हम बहुत ही थक गए हैं तो अब चलते हैं कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए। अब हम आ गए हैं एलिफेंट देखने के लिए। ये देखिए हाथी सूंड हिला रहा है, पूंछ हिला रहा है। हाथी मेरे साथी, क्या आपने कभी किसी हाथी की सवारी की है? मैंने तो की है। अगर की है तो एक्सपीरियंस कैसा रहा ज़रूर शेयर करें।
ये जो पर्पल आप देख रहे हो, ये एक खास किस्म का केमिकल है जिससे इसके अंदर जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो बाहर ना आ पाए। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ खास तरह के स्नैक। ये है इंडियन कोबरा, बहुत ही डेंजरस है। ये जू भारत का सबसे सुंदर जू है, तो एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आए। यहाँ पर बहुत तरह के जानवर हैं, बहुत सारे तो इंडेंजर जानवर भी हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद मैं पुराने किले जा रही हूँ, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर मॉर्निंग में आएँ ताकि आप एक साथ दोनों जगह विजिट कर सकें। चलिए आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।